जीत का जश्न और अपने शहीद नायकों का सम्मान करने के लिए सेना कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में आयोजित होने वाले 24वें कारगिल विजय दिवस समारोह की तैयारियों में लगी हुई है। देश के इन वीरों की कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 जुलाई को ये दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कारगिल युद्ध के नायकों की बहादुरी और वीरता को भी श्रद्धांजलि देता है। द्रास में इस दिन को मनाने के लिए परमवीर चक्रवादी सूबेदार मेजर संजय कुमार भी पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में कैसे हुई थी पूरी प्लानिंग, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज हम जिसके लिए इकट्ठा हुए हैं 24 ईयर हम कारगिल विजय दिवस का मना रहे हैं, और इस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले तो अपने जो हमारे शहीद भाई जो सैनिक हमारे साथी जो यहाँ शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा, क्योंकि हम लोग जो आते हैं उनकी बदौलत यहाँ जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर किया देश के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल यहाँ हम इकट्ठे होते हैं। और अच्छा लगता है कि आज देखने के लिए कि जो टास्क हमें मिला था या हमारे यूनिट को रेजिमेंट को आर्मी को तो उसको हम उस टाइम पे पूरा कर पाए थे। हालात तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके के हैं, लेकिन फिर भी जो हमें यही दर्शाता कि इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग है और जो उसका जज्बा है उसको कोई रोक नहीं सकता कुछ करने के लिए। तो जितना भी यहाँ उस टाइम पे हमारे जवान लड़े हैं उन्होंने तन मन धन से पूरा उससे लग के जो एरिया था उसको टाइम से पहले यानी दुश्मन से खाली करवाया था, आजाद करवाया था। आपकी मेमोरी सर शेयर करना चाहें वॉर के दौरान? देखिए ऐसा मेरा तो 4875 का है मस्को वैली का, तो मेरा 4 और 5 जुलाई का ऑपरेशन था जो जिसमें हमने 4875 और फ्लैट टॉप को कैप्चर किया था। तो हमारी पूरी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल है यूनिट थी, उसके बाद कंपनी, कंपनी में हम एक जैसे 10 वार की हमारी जो लीडिंग सेक्शन थी हम उसमें गए थे, और 4 जुलाई रात को करना था ऑपरेशन लेकिन किसी कारणवश कर नहीं पाए तो हमने दिन को फिर ऑपरेशन किया था 10:30 बजे, और उनका 4875 मस्को वैली के दोनों बंकर जो थे तकरीबन शाम तक हमने कैप्चर किए थे। तो इसमें हमने अपने 2 सैनिक खोए थे और बाकी लोग हम सब इंजर थे, और जो एरिया था वो हम अपने कैप्चर कर पाए थे उसको शाम तक। नहीं देखिए ऐसा है कि जो भी उस टाइम पे हमारे अफसर साहब लोग थे, सीओ साहब है कर्नल जोशी साहब थे, उसके बाद बाकी कंपनी कमांडर मेरे भास्कर साहब बोरा साहब, तो सब उनकी एक प्लानिंग थी, उनका जो डिसीजन मेकिंग थी वो इतने अच्छे थे कि जो टाइम से जो कुछ चाहिए था जवान को वो सही सलामती में मिलता था, और जो प्लानिंग थी लड़ाई को लेके कि इस एरिया में किस तरीके से कितने टोली में कितने लोगों के साथ उसमें करना फायर सपोर्ट कब देना वो सब उनके एक प्लानिंग थी और टाइम के हिसाब से किया था पूरा। तो अच्छे तरीके से उन्होंने अपना जो कंपनी कमांडर का या सीईओ का रोल था वो अच्छे से निभाया, और उसकी बदौलत हम लोग पोस्टलैंड में कामयाब हुए।